हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा इंडिया मार्ट के बारे में। देखिएगा, इंडिया मार्ट एक B2B प्लेटफॉर्म है और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जब भी आप किसी प्रोडक्ट को सर्च करने की कोशिश करोगे अपने बिजनेस के लिए, और इवन अगर आप बल्क में जो है हाउस होल्ड के लिए भी कुछ सामान खरीदना चाहेंगे तो इंडिया मार्ट एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और उसके शेयर्स की चर्चा हमने सबसे पहले आपके साथ की थी जब शेयर का भाव था 2100 रुपये। अभी शेयर्स का भाव है 4890। हालांकि ये शेयर्स जो है 9800 तक के हाई लगा चुका है, लेकिन मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि उसका शेयर जो है ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है, तो क्यों ना इस शेयर्स को वापस खरीद लिया जाए। यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि ये शेयर्स का बायबैक किया जाए। अब बायबैक किस साइज़ का है, कैसा है, और आज इसके रिजल्ट भी आए तो क्या व्यू मेरा भी बनता है। देखिएगा, रिजल्ट किस तरीके के ये तो मैं चर्चा करूंगा ही साथ में, लेकिन बायबैक का साइज़ कितना है ये भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, 4890 ये शेयर्स जब से नैसडेक के अंदर सेलिंग हुई है, नैसडेक का मतलब आप समझिएगा कि जो हाई ग्रोथ कंपनीज थी नैसडेक के अंदर या US की जो IT कंपनीज थी, जब तक उनमें तेजी थी तो इस तरीके के शेयर्स हुए, इन्फो एज हुए, या ऐसी जो कंपनीज जो नेक्स्ट जनरेशन की जो कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा कर रही थी, और इवन जो IPOs आए थे नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज के वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे। लेकिन पिछले 3-4-5 महीने से ये जो सेक्टर है ये प्रेशर में, और प्रेशर में होने की वजह से अब कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि उसका शेयर्स का भाव शायद जो है फेयर वैल्यू से कम है, इसलिए उन्होंने शायद डिसाइड किया। हालांकि प्रमोटर्स भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वास्तव में डिविडेंड ना देके, क्योंकि कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड भी शायद आपको पता भी होगा ये कि तो कंपनी ने एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, लेकिन वो डिविडेंड तो ऊँट के मुँह जी रहा है। लेकिन ये जो बायबैक है ये एक तरीका है एक तरीके से डिविडेंड देने का, यानी कि सभी शेयर होल्डर्स टेंडर की प्रोसेस से अपने शेयर टेंडर कर लें। तो क्या उम्मीद है हमें कि कितने शेयर्स टेंडर होंगे, ये तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ही। और ये जो शेयर्स का भाव है वो है 4890, तो 4890 का भाव है। ये शेयर्स काफ़ी करेक्ट भी हुआ है पिछले एक साल के दौरान, और अभी भी हमें लगता है कि जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके के, वो आपके साथ चर्चा करूंगा। तो ये जो सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, कन्वेंशनल जो कॉमर्स होती थी वो कैसे होती थी, और ऑफलाइन काम करते हैं खुद ढूंढना पड़ता है, बाज़ारों में धक्के खाने पड़ते हैं, आजकल ज़माना ऑनलाइन का है तो किस तरीके से आप सामान अपनी पसंद का ढूंढ सकते हैं। और इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है, 95,000 कैटेगरीज़ के आइटम्स इनके वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं, और इनके जो लीड मैनेजर्स हैं, जो इनका स्टाफ है, वो काफ़ी सपोर्टिव रहता है इस मामले में, और अभी भी इन्होंने मैन पावर में काफ़ी अच्छा खर्चा किया। इस क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे, देखिएगा, पिछले साल सेम क्वार्टर में 180 करोड़ की इन्होंने सेल की थी, और उस समय पर सेल ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे थे, 180 करोड़, लेकिन इस बार हुई है 201 करोड़। तो तकरीबन एक साल के दौरान 11% के आसपास की जो है ग्रोथ की है इन्होंने सेल्स में, तो रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है। और एक्सपेंसेस के मामले में अगर हम देखें तो मैन पावर के जो खर्चे हैं वो 30 करोड़ रुपए बढ़ गए, आउटसोर्स के खर्चे 14 करोड़ बढ़ गए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर साफ साफ देखा जा सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 27 करोड़ है, टोटल 144 करोड़ है। अब इन सब के बावजूद जो प्रॉफिट्स है वो 57 है, गलत दिया हुआ है जी, ये 87 है, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था तो 87 करोड़, जो पिछले बार 85 था, तो EBITDA मात्र 2 करोड़ बढ़ा है। तो जब एक हाई पी रेशोज की जो कंपनी है उसमें जो ग्रोथ नीचे की तरफ होती है तो उस शेयर्स में जो है गिरावट आना लाजमी है। उसके बाद अगर इन सारे खर्चों को आप ये 10 को निकाल देंगे, 3 और 1 और 6, तो कुल टोटल 10 बनता है, तो 87 में से 10 गए तो 77 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर ये टैक्स दिया और ये नेट प्रॉफिट आता है 57, तो पिछले साल के मुकाबले केवल 1 करोड़ का ये प्रॉफिट है, लेकिन कैश काफ़ी अच्छा जनरेट कर रहे हैं। पिछले बार 165 करोड़ का कैश जनरेट किया था, इस बार 58 करोड़ का। लेकिन कंपनी एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे है, आप अगर कंपनी को देखेंगे तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड कर रही है। अब 15,000 करोड़ की मार्केट कैप पर ये जो शेयर्स है अभी पी रेशियो पर 50 टाइम्स है, तो 50 टाइम्स की पी रेशियो पर ये शेयर जो है अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो तकरीबन ये 50 की जो पी रेशो है इस पर ट्रेड करने की वजह से बहुत लोगों को लगता होगा कि बड़ा महंगी वैल्यूएशन है इसमें, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि इस शेयर्स का बायबैक किए,
और बायबैक का प्राइस क्या है रखा है ये मैं अभी आपके साथ चर्चा करूंगा। कंपनी में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और मुझे लगता है अभी भी ये हाई ग्रोथ कंपनी है। मुझे इसका भाव अभी आज की परिस्थिति में अब तक के रिजल्ट आने के बाद मुझे लगता है कि 4000 के आसपास अगर इसका शेयर भाव मिलता है 4100 4200 तो काफ़ी अच्छी जो है वैल्यू बाय जो है अभी भी बनती है। हालांकि रिजल्ट जो है अभी जो उम्मीद हम कर रहे थे उतनी तेज़ी से जो है रिज़ल्ट इम्प्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इम्प्रूव होते रहेंगे। और लो इक्विटी बिजनेस है, यानी कि बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत नहीं है। पूरी कंपनी के अंदर 3 करोड़ के आसपास 3 करोड़ 8 लाख शेयर्स के आसपास जो शेयर्स हैं, तो शेयर कैपिटल बहुत छोटी है। प्रमोटर 50% के आसपास रखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है 27.53, फिर बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल हिस्ट्री 4.6 और रिटेल के पास है 18.61। तो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और जो शेयर कैपिटल का साइज छोटा है, तो मुझे डाउनसाइड तो ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन इस बायबैक की न्यूज़ की वजह से तेज़ी जरूर आ सकती है कल। बट तेज़ी ज़्यादा होगी नहीं, अगर तेज़ी है तो आप तेज़ी में फंसना मत, मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि बायबैक का भाव है 6250। तो लोगों को लगेगा यार 1250 रुपये ज़्यादा है आज का जो तकरीबन 5000 का प्राइस है। माय डियर, वो दिक्कत नहीं, आपके पास पुराना शेयर है उसको होल्ड कर सकते हैं। नए शेयर्स के लिए अगर ये 200-300 रुपये ऊपर मिलेगा तो अभी लेना मुझे नहीं लगता कि लाजमी है बायबैक के लिए, क्योंकि बायबैक केवल 1,60,000 शेयर्स का, तो वो 1% से भी कम है। मान लीजिएगा आपके पास 100 शेयर है तो आपका शेयर 1 या 2 शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 शेयर टेंडर होंगे, तो ये जो गैप है वो 1 शेयर पर आपको कितना मिलेगा। तो बायबैक की न्यूज़ के बाद कभी कभी जो है जो इन्वेस्टर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं उनको लगता है कि भाई बड़ा अच्छा मौका है, 6250 के भाव में हम शेयर को टेंडर कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा आपके पास जो शेयर्स होंगे उनमें से टेंडर क्या होंगे, 10 शेयर्स होंगे तो मान लीजिएगा 1 शेयर टेंडर हो ही जाता है, 1 शेयर को तो 1 शेयर टेंडर होगा तो उसमें क्या पैसे बनेंगे आप समझिए। लेकिन इन्वेस्टिंग के एंगल से मुझे लगता है कि 4000 के आसपास के अगर भाव लगते हैं और आप एक लंबे समय के निवेशक हैं तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे हमें लगती है। ये इंडिया मार्ट के ऊपर जो अभी भी मेरा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। कंपनी जो है अच्छा कर रही है, कंपनी बायबैक भी लेके आई है, बट बायबैक की वजह से आप शेयर खरीदेंगे ये मुझे नहीं लॉजिकल लगता। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर आप इस शेयर्स को होल्ड करना चाहते हैं तो ये शेयर्स काफ़ी अच्छा है, बट मुझे अभी लगता है कि यहाँ पे बाजार में जो दशा है तो 700-800 रुपये नीचे अभी तक ये शेयर मिल सकता है, क्योंकि अभी 52 वीक लो भी अगर आप देखेंगे तो पीछे 2-3 महीने पहले ही वो लो लगे थे, वो तकरीबन 4000 के आसपास ही थे और 3965, तो वो भाव जो है 4100-4200 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि कम्फर्टेबल प्राइस है वहाँ पर अगर ये शेयर आता है तो। बट एक साल में अगर हम देखें, पिछले एक साल में 44% रिड्यूस भी हुआ है हायर प्राइस से, और जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स थे वो इंडिया के अंदर भी नीचे गिरे हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड भी, और पिछले साल 2020 और 21 के मिड तक जो है हाई ग्रोथ स्टॉक्स काफ़ी अच्छी रैली कर रहे थे और अब थोड़ा सा गिरावट के साथ काम कर रहे, तो एक अच्छी वैल्यू बाय हमें लगता है कि 4000 रुपये और 4100 रुपये के आसपास जो है बनती है। लेकिन फिर भी आप जो भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल वाइज सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें। तो आज का ये एनालिसिस अपडेट आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।